में हुई थी, उसमें भी आपने अच्छा प्रदर्शन किया बल्ले से। तो कहाँ से अब लगता है कि आप एक हरफन मौला खिलाड़ी बन चुके हैं, किसे श्रेय देते हैं आप जो आपकी ये बैटिंग इम्प्रूव हुई है? बल्लेबाजी का शौक तो पहले से ही था, लेकिन जब गेंदबाजी करवाते थे तो सब गेंदबाज के तौर पर ही खिलाते थे, तो इसलिए हम उनके साथ गेंदबाज के तौर पर खेलते थे। लेकिन जब पिछले साल हमने डिस्ट्रिक्ट लीग में खेला तो वहाँ नए खिलाड़ी थे, उन्होंने भी हमें आगे खेलने का मौका दिया, तो हमने वहाँ पे अच्छा प्रदर्शन किया। फिर हम यहाँ आए, इस टीम में भी मुझे अपनी जिम्मेदारी पता है कि मुझे टीम को साथ लेकर चलना है, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, तो मैं और खिलाड़ियों से भी चाहता हूँ कि वो भी अपना योगदान दें और अपनी जिम्मेदारियों को समझते रहें। एक अंतिम क्वेश्चन, क्षेत्र रक्षण बड़ा ही इंपॉर्टेंट पहलू होता है किसी भी क्रिकेट गेम का, और आज के मैचेस में देखा कि आपके टीम से भी कैचेस ड्रॉप हुए हैं और वो भी एक आपकी गेंद में राहुल का कैच छूटा, उसके बाद भी मैच जब तक राहुल थे तब तक लगता था कि मैच राहुल गढ़वाल चीता जीत सकते हैं, तो आप क्या करना चाहेंगे अपने इन युवाओं के लिए कि इनकी जो फील्डिंग स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हों? फील्डिंग स्किल्स पे कोई सवाल नहीं है, लेकिन जैसे कि कभी कभी हो जाता है कि कुछ अति उत्साह में या थोड़ा सा मिस जज हो जाता है कैच, इस कारण शायद मिस फील्ड हो गई हो, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आगे से वो ऐसा कुछ ना करे, जल्दबाजी किसी चीज़ में ना करे। और जैसे कि राहुल की बात है, राहुल तो जाने माने बल्लेबाज है, तो उनका कैच छोड़ना हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकता था, लेकिन ये मैच हमने किसी तरह से जीत लिया और आगे हम कोशिश करेंगे और अच्छा प्रदर्शन कर सकें। एनीवेज, आपने इस टूर्नामेंट में अपना पहला मैच खेला और आज मैन ऑफ द मैच भी बने, नेक्स्ट दौर में करने वाली टीम बनी हो आप, और आपने खिलाड़ियों को तैयार रखें, कल आपका वो मुकाबला हो सकता है, आपको शाम तक इत्तला कर दिया जाएगा। फिलहाल आपके शानदार प्रदर्शन के लिए 35 गेंदों में 45 रन और 3 ओवर में 3 विकेट और 23 रन के लिए मैन ऑफ द मैच के लिए मैं अंकित भाई से निवेदन करूंगा कि मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार देकर खिलाड़ी की हौसला अफजाई करें। चलो बिल पे यार।